हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हीना बी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आई एम गोइंग वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैं यहाँ से महाराष्ट्र कैसे जा रही हूँ। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद जा रही हूँ। मेरा बर्थ प्लेस है, मतलब मैं वहाँ पर मेरा बर्थ भी हुआ है, प्लस मेरी सारी, मतलब बोलते हैं ना, पूरा लाइफ, हाफ लाइफ मेरा वहीं कटा है। बाकी फिर वेस्ट बंगाल में आ गए थे हम। वेस्ट बंगाल में क्यों आई थी मैं, ये भी आपको मैं रीज़न बताऊँगी। बाकी चलो फिर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो। और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने डिटेल में सब कुछ दिया है कि टिकट प्राइस कैसा होगा, कैसे जा सकते हो आप, रिजर्वेशन कब करवाना होता है, सब कुछ इन डिटेल में आपको बता दूंगी। सो जस्ट हम चेंज करते हैं एंड देन लेट्स गो। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं नामखाना में और अब नामखाना टू सियालदाम जाने वाले हैं। टिकट का प्राइस जो है वो 25 रुपीज़ है। बाकी अब हम निकलते हैं, जैसी ट्रेन आती है मैं आपको फिर मिलती हूँ। बाय बाय। पॉलिटिकल इश्यूज, पता नहीं क्यों आज मेरे साथ ही ऐसा होना था और आज ही होना था, कभी और नहीं हो सकता था। बाकी कोई इश्यू नहीं है, अब हम पहुंच चुके हैं। बाकी फिर हम मिलते हैं ट्रेन में पहुंचने के बाद। चुके हैं औरंगाबाद में। आज है डे वन। वैसे आज मैंने कुछ ज्यादा प्लान तो नहीं किया, आज मैं ज्यादा बकबक करके आपको बोर भी नहीं करूंगी। तो पहले जाते हैं, कुछ ऑफिस वर्क है मेरा, मैं पहले वो ऑफिस वर्क कंप्लीट करती हूँ, फिर देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे तो मेरा मन है कि मैं कैनॉट प्लेस जो है औरंगाबाद का, वो थोड़ा एक्सप्लोर करूँ। आज का प्लान ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, क्योंकि ऑफिस वर्क कब कंप्लीट होगा, हम कब जाएंगे वो भी डिपेंड करता है। सो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम। अब हम हो चुके हैं रेडी, सो लेट्स गो। पहले अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो आर यू रेडी? फिर रूम में आके फिर एंजॉय करेंगे। ओह माय गॉड, सो वेलकम बैक एवरीवन। सारा ऑफिस वर्क कंप्लीट करने के बाद, थोड़ा पेट पूजा करने के बाद, अब हम आए हैं गार्डन में थोड़ा बैठने के लिए। अभी थोड़ा बैठे हैं, इसके वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के साथ हमेशा बने रहना। Oh.
और अब हम आ चुके हैं मेरे स्कूल के पास। तो सबसे पहले हम हमारे स्कूल को देख लेते हैं, देखने से क्या ही होने वाला है। जो अब छूट गया सो छूट गया, अब देखते हैं हमारा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अभी। सो यस एवरीवन, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने स्कूल में। पता नहीं ये कुत्ते कहाँ से भौंक रहे, जहाँ जाओ कुत्ते भौंकते रहते हैं। ओके, थोड़ा ब्लॉग आपको दिखा देती हूँ मेरा स्कूल थोड़ा सा। बहुत दिनों के बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम वापस अपने रूम में जा रहे हैं, क्योंकि मतलब आज मॉर्निंग 4 AM को आए और इतना काम करने के बाद अब तो मतलब बॉडी बोल रही है कि अब बस कर भाई, अब थोड़ा रेस्ट कर ले। मॉल में जाने का था थोड़ा प्रोग्राम, बट अभी हम कल वापस आएंगे क्योंकि कल भी हमारे पास पूरा दिन है। आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो, और आपको रूम टूर भी मैं ज़रूर दिखाऊँगी, तो प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। हेलो एवरीवन, आपको रूम टूर दूंगी सबसे पहले। सो लेट्स जस्ट चेक आउट कि ये रूम कैसा है। वैसे मैंने इसके लिए 1500 पे किया है, तो आप लोग बताना। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने 15 rupees मतलब मेरे वसूल हुए, क्योंकि उसके हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरा जो रूम है वो बहुत ही अजीब सा निकला है 1500 rupees के कंपेयर। बाकी आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ये 1500 के लिए वर्थ इट है या नहीं। सो लेट्स जस्ट चेक। हमारा रूम, ये है एसी, और ये है बेड, और ये है हमारा मिरर। सब बहुत ज्यादा ही बड़ा है, मेरे को तो मेरा पूरा फेस दिख रहा है इसके ऊपर। प्लस वो था हमारा बाथरूम, और ये है टीवी। पता नहीं है टीवी क्यों नहीं चल रहा है, कुछ देर तक चला उसके बाद फिर बिल्कुल भी ना चला। और ये है हमारा रैक जिसमें हम सामान वगैरह रख सकते हैं। बस यही तक था हमारा रूम टू।